अगर आप एक रॉयनेट की APIs आईडी को चलाते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी भी कंपनी की आईडी को चला रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं, रॉयनेट पोर्टल पर एक खास अपडेट आई है आप सभी के लिए, जिसके बारे में पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक रॉयनेट के CSP नहीं बने हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपका भी मन कर जाए कि चलिए देखते हैं कि रॉयनेट APIs आईडी को कैसे यूज़ करते हैं, इसमें कितनी सर्विसेज हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं, पोर्टल कैसे काम करता है, कितना आसान है अदर कंपनीज के मुकाबले में। आज की इस वीडियो में सभी चीजों को आप डिटेल में जानेंगे, और फिर मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपके अंदर एक इच्छा जाग उठेगी कि भाई अब रॉयनेट की CSP आईडी को लेना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर को आप नोट कर लीजिए, और जैसे ही आपको लगे कि आपको अब रॉयनेट CSP बन ही जाना चाहिए, तो आप तुरंत हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, और अगर खासतौर से अगर आप UP से बिलोंग करते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। रॉयनेट आईडी हमारी तरफ से आपको मात्र 499 रुपए में प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको आज की जो खास अपडेट है रॉयनेट की तरफ से। पोर्टल पे कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ बदलाव हुए हैं आपकी आसानी के लिए, आपके समय को बचाने के लिए। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं, वहां पे आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जिससे कि आपका समय बहुत बचेगा। रॉयनेट CSP आईडी को लॉग इन करने के बाद आप देखेंगे यहां पे पोर्टल पर आपको स्क्रीन पर कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे। जिस तरीके से पहले पोर्टल ओपन होता था बिल्कुल वैसे ही ओपन हो रहा है, लेकिन यहां पे आप गौर से देखेंगे तो इस जो लाइन है ऊपर, जो ऑप्शन जहां पे फंक्शन आपके निकलते हैं, जैसे चैनल, वॉलेट, सर्विस, हेल्प डेस्क, MIS, डॉक्यूमेंट्स, ट्रेनिंग, इसके नीचे यहां पे ये खाली रहता था। अब यहां पे आपकी आसानी के लिए रेंडमली आप उस ऑप्शन पर चले जाएं, आप उस अपनी सर्विस को जो यूज कर रहे हैं मोस्टली उस पर जाने के लिए यहां पे कंपनी ने कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं। जैसे कि आपको APIs करना रहता था तो यहां पे आप सर्विसेज में जाते थे, सर्विसेज में APIs पर आएंगे, अब यहां पे कर्सर को ऐसे ले जाएंगे और यहां पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आपको यस बैंक, ICICI, आधार पे कौन सी सर्विस के माध्यम से आपको आधार निकासी करनी है। तो यहाँ पे कंपनी ने, यहाँ पे तो ऑप्शंस है ही, लेकिन इसी के साथ में आपकी आसानी के लिए क्विकली आप काम कर पाएं, क्योंकि यहाँ पे आप वक्त ज़्यादा लग रहा है। जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको 2FA करना पड़ रहा है, कस्टमर की फिंगर को लगाने से पहले आपको अपनी फिंगर लगानी है। अब ऊपर से अगर आप सर्विसेज में जाएंगे, APIs पर जाएंगे, तब थोड़ा सा और समय लग जाएगा। अब यहाँ पे क्विकली APIs के ऑप्शन पर पहुँचने के लिए कंपनी ने यहाँ पे ऑप्शन दे दिए हैं। यहाँ पे आपको APIs मिल रहा है, DMT है, BBPS है, CMS है, ट्रेवल है, और PG सर्विस है, और क्रेडिट कार्ड पेमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं APIs को, यानी कि आप जो APIs वाला ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए मैंने क्लिक कर दिया है और रैंडमली यहाँ पे आपके सभी बैंक्स आ चुकी हैं। रॉयनेट के पास जितने भी APIs सर्विसेज हैं बैंक को लेकर, वो सभी बैंक्स यहाँ पे आ चुकी हैं। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप जिस भी बैंक को चूज़ करना चाहेंगे उसको क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं अभी यस बैंक APIs के साथ अगर ट्रांजेक्शन करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करते ही यहाँ पर हमारा APIs वाला जो पेज है वो ओपन हो चुका है, जो साइड है हमारी जहाँ पे हम डिटेल्स को फिल करते हैं, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, कस्टमर का नाम, ये सब डालते हैं, वो हमारा पेज आ चुका है विड्रॉल करने के लिए। तो क्विकली आप इस तरीके से पहुँच सकते हैं। अभी हम होम के बटन पे क्लिक कर देते हैं दोबारा। अब DMT की अगर हम बात करें, देखिए अगर आपको इससे पहले पोर्टल के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र करते थे तो आप सर्विसेज में जाते थे, सर्विसेज में आपको यहाँ पे DMT वाले ऑप्शन पे इतनी सारी सर्विसेज दिखाई देती थी। अब अगर DMT करना होगा तो आपको सर्विसेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्विकली आप DMT पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जितनी भी पाइपलाइंस हैं रॉयनेट के पास, वो सभी सर्विसेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। V2 के माध्यम से करना चाह रहे हैं आप, V3 के माध्यम से, V5, यस बैंक, DMT, जिस भी सर्विस के माध्यम से आप DMT कर रहे हैं उस पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए BBPS की अगर मैं बात करूँ तो BBPS के लिए आपको फिर, क्योंकि देखिए जितनी भी ट्रांजेक्शन करने वाली जो सर्विसेज मिलती हैं आपको, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सर्विसेज वाला, यहाँ पे ही आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं आपके सभी ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो अब आपको बार बार सर्विसेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपका स्क्रीन पर ही आपको दिखाई देंगे सारे ऑप्शन। जैसे कि BBPS में क्लिक करूँगा तो हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन आ चुके हैं, BBPS न्यू है, भारत बिल पे है, यस बैंक BBPS है, जो भी आप ऑप्शन को यूज़ करना चाहें बिल पे करने के लिए वो कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं CMS पर क्लिक करेंगे तो हमारे देखिए ऑप्शन आ चुके हैं कि हम CMS फिनो कर रहे हैं, CMS कॉपरेट कर रहे हैं, एयरटेल न्यू कर रहे हैं, जो भी करेंगे आप आसानी से हो जाएगा। आगे हम ट्रेवल की हम बात करें तो ट्रेवल पर क्लिक कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे फंक्शन खुल रहे हैं। आगे हम PG की अगर आप बात करें तो हमारे पास देखिए जो PG हमारा एक्टिवेट हो उस पर जाने के लिए आप यहाँ पर तुरंत क्लिक कीजिए और आपके सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे। अगर हम क्रेडिट कार्ड पेमेंट की बात करें, अधिकतर लोग क्रेडिट कार्ड के पेमेंट भी जमा करते हैं रॉयनेट CSP पोर्टल के माध्यम से, तो यहाँ पे हम
सीसी पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं कि क्रेडिट D1 के थ्रू आप पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड में या क्रेडिट D2 के थ्रू, जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी ने आपकी आसानी के लिए, जिससे कि आपका समय बचत हो, आपके समय की बचत हो, उसके लिए कंपनी ने यहाँ पे सभी जो मेन सर्विसेज हैं आपके पोर्टल पर जिनका आप दिन भर में यूज करते हैं, वो सभी सर्विसेज यहाँ पे आपकी हाईलाइट कर दी गई है कंपनी की तरफ से। एक और मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे इस तरीके का जो लुक है पोर्टल का वो आपको दिखाई तो दे ही रहा है, साथ ही साथ में आप नीचे की साइड में देखेंगे क्लिक हियर फॉर ऑल सर्विसेज, यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपकी पूरी सर्विसेज आ जाती हैं, जो अभी आप ऊपर देख रहे थे, यानी कि यहाँ पे जो सर्विसेज देख रहे थे वो सभी सर्विसेज इस प्रकार से भी आपकी आ सकती हैं। लेकिन उससे बेहतर जो कंपनी ने किया है, क्योंकि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब सर्विसेज आएंगी, यहाँ पे कंपनी ने ये टैब बना दिया है, ऑलरेडी यहाँ पे ये सारी सर्विसेज आपको शो कर रही हैं। तो देखिए, अगर आप रॉयनेट पोर्टल को यूज़ करेंगे तो बहुत आसान आपको लगेगा, कंपनी डे बाई डे अपने पोर्टल को और ज़्यादा आसान करती चली जा रही है, जहाँ पे आपकी समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है और एक अच्छा मार्जिन आपको मिलता है। रॉयनेट पोर्टल पर कंपनी की तरफ से जो चेंजेस किए गए हैं वो आप सभी की भलाई के लिए किए गए हैं, जिससे कि आपका समय बचे, आप आसानी से अपने काम को कर पाएं क्विकली, जिस ऑप्शन पर आप पहुंचना चाहते हैं उस ऑप्शन पर आप आसानी से सेकंड्स में पहुंच पाए सिर्फ एक क्लिक पर। तो रॉयनेट कंपनी समय समय पर अपने पोर्टल पर बदलाव करती रहती है आपकी आसानी के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम समस्या ना हो। मैं हमेशा कहता हूं कि रॉयनेट CSP ID के इंटरफेस को चलाना बहुत आसान है। रॉयनेट पोर्टल पर जब आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बैंकिंग वाली फीलिंग आती है। तो इसके लिए मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप अभी तक रॉयनेट की CSP अगर नहीं बने हैं तो तुरंत आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा, हम आपको रॉयनेट CSP ID प्रोवाइड कराएंगे मात्र 5 मिनट के अंदर सिर्फ 499 रुपए में। तो उम्मीद करता हूं कि रॉयनेट की तरफ से जो पोर्टल पर चेंजेस किए गए हैं, जो बदलाव किया गया है और जो नई नई सर्विस आपको दिखाई दे रही हैं, नई नई टैब जो आपको शो हो रहे हैं, वो आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपके काम में थोड़ी आपके समय की बचत भी हो रही होगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले फिर आपसे कहूंगा कि अगर आप अभी तक रॉयनेट की CSP नहीं बने हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें तुरंत संपर्क कीजिएगा।